दिस इज अमित और आप देख रहे हैं एडमिशन एकेडमी। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एससी कैटेगरी स्टूडेंट के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए क्या होगा मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस एससी कैटेगरी रैंक। तो यहाँ पे प्लीज आप ध्यान दें, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सबके लिए सेम ही होता है, बट आपका कैटेगरी रैंक चेंज होगा क्योंकि आप एससी कैटेगरी से है। तो एससी के लिए क्या होगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि एससी कैटेगरी के लिए जे एडवांस में जाने के लिए कितना मिनिमम परसेंटाइल और मार्क्स चाहिए और NIT IIIT GFTA में जाने के लिए कितना मिनिमम परसेंटाइल चाहिए, जो कि टॉप 5 10 15 लोअर सारे के लिए बात करेंगे हम। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिले। अगर आपको सेम इन्फॉर्मेशन इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए तो आप मेरा इंग्लिश चैनल इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशनल वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 99.5 परसेंटाइल अगर आपको चाहिए तो 208 मार्क्स लाने पड़ेंगे, ये मॉडरेट पेपर के लिए। अगर पेपर इजी होता है या हार्ड होता है तो थोड़ा बहुत आपका मार्क्स ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इजी होगा तो 10-5 मार्क्स ज्यादा लाना पड़ेगा, या फिर आपका हार्ड होता है तो 5 मार्क्स कम में भी हो जाएगा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए है। सेकंड अटेम्प्ट के लिए हम अलग से वीडियो आपको देंगे क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा। इसमें आपका रैंक बनेगा 50, फिर 99 के लिए 175 मार्क्स चाहिए, रैंक बनेगा 150, फिर 98.5 के लिए 160 मार्क्स चाहिए, 98 के लिए 150 मार्क्स चाहिए, 450 रैंक बनेगा। इसके बाद 97 के लिए 135 मार्क्स चाहिए और आपका रैंक 700 या उससे कम बनेगा, फिर 96 के लिए 125 मार्क्स चाहिए, 1100 के आसपास आपका रैंक बनेगा, फिर 95 के लिए 115 मार्क्स चाहिए और 1600 के आसपास आपका रैंक बनेगा। फिर आप बात करें 90 के लिए तो 3,800 आपका रैंक बनेगा और मार्क्स 84 चाहिए, फिर 85 के लिए 74 मार्क्स चाहिए, 6,000 आपका रैंक होगा या उससे कम, फिर 80 के लिए 60 मार्क्स चाहिए और 9,000 आपका रैंक होगा। के बाद बात करें 70 के लिए तो 42 मार्क्स चाहिए, 15,000 रैंक होगा, 60 के लिए 34 आपका मार्क्स चाहिए और 25,000 आपका रैंक होगा एससी कैटेगरी में, और 50 परसेंटाइल के लिए 28 मार्क्स चाहिए और 38,000 आपका एससी कैटेगरी रैंक होगा। आपको दो तरह का रैंक मिलेगा, एक जनरल दूसरा एससी रैंक। तो एससी रैंक से आपका काम होगा क्योंकि कॉलेज उसी से आपको मिलेंगे, बट आपको दो तरह के रैंक मिलेगा, बट जो इंपॉर्टेंट है वो एससी रैंक है। जनरल रैंक आपको देखना है इस मार्क्स परसेंटाइल पे क्या होगा, तो वो जनरल वाला वीडियो आप देख सकते हैं, कुछ दिन में वो भी आ जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कट ऑफ परसेंटाइल क्या होगा एससी कैटेगरी का। तो इससे पहले हम आपको बता दें, अगर आपको कंप्लीट गाइडेंस चाहिए मेरे से 1-to-1 बात करके कैसे प्रिपरेशन करना है, डेली बेसिस पे क्या टास्क करना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्या होगा, मेंस के लिए कैसे पढ़ाई करना है, एडवांस के लिए, फिर बोर्ड के लिए सेपरेटली कैसे पढ़ें, वो सारा चीज़ हम आपको गाइड करेंगे ताकि आप सही से टाइम मैनेजमेंट करके सही से पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाएं। उसके बाद काउंसलिंग के समय हम आपको गाइड करेंगे जोसा CSEB और जो भी आप करते हैं जैक दिल्ली जैक चंडीगढ़ सारे काउंसलिंग में हेल्प करेंगे ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिल सके इस साल। आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए गए डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, बट एक नॉमिनल सा चार्ज लगेगा क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। तो आप अगर चार्ज देने के लिए रेडी हैं उसके बाद ही मेरे को कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए आगे बात करते हैं कि कितना परसेंटाइल लगेगा। तो 51 से 52 परसेंटाइल आपको मिनिमम चाहिए जे एडवांस में क्वालिफाई करने के लिए, अदरवाइज जे एडवांस में आप बैठ ही नहीं पाएंगे। और उसके लिए जो मार्क्स चाहिए वो 25 से 30, हार्ड पेपर रहेगा तो 25, ईजी रहेगा तो 30। इसके बाद अगर आप बात करें कॉलेज के लिए क्या कट ऑफ होगा, तो टॉप 5 NIT में अगर आपको जाना है तो 97.6 परसेंटाइल चाहिए, जो कि CS ब्रांच के लिए, और आपको अगर लोअर ब्रांच कोई भी ब्रांच टॉप 5 में मिल जाए भैया चल जाएंगे तो 83.4 पे भी हो जाएगा। फिर IIIT में 85.3। यहाँ पे बात करेंगे लोअर के लिए ज़्यादा क्यों है भैया IIIT में, NIT कॉलेज अच्छा होता है, तो यहाँ पे क्या है कि IIIT में EC ब्रांच लोअर बोला जाता है और NIT में जो है वो लोअर मतलब प्रोडक्शन माइनिंग मैकेनिकल ये सब ब्रांच हो गया, वो थोड़ा लेस डिमांडेबल है अभी के समय में इसीलिए। तो GFTI में बात करें 84.8 65.7। इसके बाद बात करें टॉप 10 में NIT में जाना है 93.5 और 80.4 आपको चाहिए NIT के लिए, और IIIT के लिए 80.9 77.8। आप GFTI का बात करें 79 71। इसके बाद टॉप 15 में जाना है तो 91 और 77.3 चाहिए NIT में जाने के लिए। CS और लोअर ब्रांच स्लैश के पहले CS ब्रांच का कट ऑफ है, CS स्लैश के बाद लोअर ब्रांच का। IIT में जाने के लिए 77.5 73.8 और GFTI में जाने के लिए 74 and 69 परसेंटाइल चाहिए। इसके बाद टॉप 20 में जाना है तो 87 और 75 परसेंटाइल चाहिए NIT में जाने के लिए, और IIIT में जाना है टॉप 20 में तो 75 and 69, और GFTI में जाने के लिए 70 and 65। इसके बाद बात करें लोअर के लिए मतलब किसी भी NIT में CS ब्रांच चाहिए तो 82 और लोअर ब्रांच चाहिए किसी भी NIT में तो 73 चाहिए। इसके बाद अगर आप IIIT की बात करें 72 और 67 CS और लोअर का मतलब EC यहाँ पे है, फिर GFTI में 65 and 62। ये आपका हो गया परसेंटाइल मिनिमम इतना चाहिए आपको, तब आपको जोसा काउंसलिंग में सीट मिल सकता है 6 राउंड तक। अगर आप CSEB तक में भी जाना चाहते हैं तो इससे कम पे मिल जाएगा, बट CSEB में गारंटी नहीं होता, जोसा में गारंटी होता है। तो इतना अगर आप लाते हैं परसेंटाइल तो आपका गारंटी कॉलेज मिल जाएगा अच्छे से काउंसलिंग करने से, उस समय हम आपको गाइड करेंगे अगर आप
मेरे गाइडेंस से रजिस्टर्ड रहेंगे तो ये था कंप्लीट इंफॉर्मेशन एससी कैटेगरी के लिए, और भी एनआईटी वाइज, ट्रिपल आईटी वाइज, जीएफटीआई वाइज, आईआईटी के लिए जो एडवांस का डिटेल सब इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलते रहेगा। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू।